व्हाट इज अ पब्लिक? वापिस क्या अच्छे से बोला और एक बार बोल। अब व्हाट इज अ पब्लिक? कैसे हो सब? अच्छे ही होंगे सब, है ना? है ना, अभी बहुत सारे खतरनाक कोक स्टूडियो में ऐसे हर जगह से आ रहे हैं ना, कोक स्टूडियो में एक साथ ही स्टार्ट हो जाता है। इंडिया में भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के कोक स्टूडियो से बाहर बैंगा बांग बांग्ला सब आ रहे हैं। हाँ, रिक्वेस्ट भी आ रही है मुझे। अच्छा, ओके, ये करो ये करो। नाइस, एक साथ ही बहुत सारे आ चुके हैं, तो इसमें एक गाना ओ यारा कोक स्टूडियो पाकिस्तान का है, सीजन 15, अब्दुल हनन एंड कवेश। क्या बात है, एक्सपेक्टेशंस हाई हाई। कंपोज बाय अब्दुल हनन एंड जाफर जैदी, कड़क नाम है भाई, अब्दुल हनन जाफर जैदी। रिटन बाय विवाह, म्यूजिक अरेंज प्रोड्यूस बाय जुल्फी जाहिर जैदी, जाफर जैदी, अब्दुल हनन अब्दुल्ला सिद्दीकी, ये दूसरे हैं कोई। एडिशनल अरेंजमेंट जैद तारिक, मिक्स बाय जुल्फी। क्या बात है, मास्टर भाई कोई अलग है, यूएसए में मास्टर हुए हैं। क्या बात है भाई, nice. सब अलग अलग टीम है आर्टिस्ट। ओहो, ये क्या है, ग्रेफिट जिराफ टीम, ये क्या, ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कुछ इसका फुल फॉर्म होगा, साउंड स्क्वाड। ओ बाप रे बाप रे, वीडियो क्रिएटिव टीम इतनी बड़ी, माय गॉड, वार्डरोब मेकअप एंड हेयर, पोस्ट वीडियो प्रोडक्शन, क्या बात है, फोटोग्राफी, क्या बात, बहुत बड़ी टीम भाई। इन इन लोग के सेट भी कितने खतरनाक हैं भाई, भाई बाप से कड़क सेट होते हैं भाई। चलिए तो भाई फटाफट देख लेते हैं, आर्टिस्टिक बना रहा है एकदम ये लोग। चलो नाइस, यस, कविश ओ यारा। हां, कविश तो भाई क्या गाते हैं, ओए होए होए, उनकी आवाज बस ऐसे। चलो रेडी, Yes. 3, 2, 1, start. Coke Studio, season 15. इनकी वॉइस ओवर आर्टिस्ट सेम है। Yeah. हर बार वही बोलती है। देखना फ्रेम्स तो देख। Nice. वाह। क्या बताऊँ? इन सवालों में कब से यूं फंसा हूं, राख सारे सफे पर लिख रहा हूं, फसाने में जिंदगी के मन को कैसे और कैसे बहलाऊं, टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाह सांस लेना सजा, ये वफा तो बाजार में बिकती एक चेहरा, ढेर सारी क्यों लगे हैं, खुद की खोज में सब ही हाल दिल में, अब कैसे समझाऊं, है ये उलझे दानों सा करे जमीन पर चलना चाहूं पर छाया है हर कदम ये दुआ, सांस लेना सजा।
जो सुना पाएगा न छोड़ आस की डोर को सच तू समझ जाएगा ओ यारा फिर तू संभल जाए भाई साहब ओह माय गॉड काफी सुकून भरा सुनने में मजा आ गया हा हा काफी अनकन्वेंशनल आल्सो इट्स नॉट लाइक अ कन्वेंशनल कंपोजिशन जैसे हमेशा होता है आल्सो ऐसे सवाल जवाब जैसे था लाइक ही वाज एक साइड है कि कंफ्यूज है दुखी है डिप्रेस्ड है और फिर ये है कि बता रहे हैं कि आप ऐसे सच को समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे क्या आवाज है ना इनकी भी आवाज बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है भाई जो मस्त गाया उन्होंने कविश ने जो एंट्री ली ओह गूज बम्स पानी आंखों में से पानी निकलने ही वाला था ऑलमोस्ट निकल चुका था रह गया सीरियसली बहुत कंट्रोल किया पर जो उनका जो पार्ट है कविश का इट्स लाइक ही इज ट्राइंग टू साउंड लाइक होप होप कैसे साउंड करती है वैसा वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा तिलक का मुझे ऐसा लगा लिटिल बिट्स क्या बात है अरेंजमेंट भी बहुत ही प्यारा भाई ऐसे बहुत ही काफी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट लिए और कुछ भी ऐसा ओवर पावर नहीं कर रहा कुछ भी सब शटल एकदम अच्छे से जा रहा है सुनने सुनने में मजा आ रहा है बहुत ही प्यारा मिक्स हुआ है मास्टर भी ऑल ओवर बहुत ही काफी अच्छा गिटार्स कितने अच्छे मिक्स गिटार्स वो मोहन मीणा टाइप था ना क्या बोल देंगे इसको क्या बोला उन लोगों ने बोला क्या है लैप स्टील गेटा लैप स्टील एंड लैप स्टील अच्छा वही हो सकता है बैंजो किसने बजा वो बैंजो ही था ना कौन सा हाँ है ना वो लिखा नहीं है पता नहीं कीज में आ गया होगा शायद शायद से हैदर अली नाम सुना है पहले बजा होगा उन्होंने शायद कोक स्टूडियो के लिए अच्छा वो हैदर शुजा क्या नाम है वो दूसरा वो तो दूसरे वो तो वो और नेक्स्ट लेवल आदमी है वो शुजा हैदर हैदर वो तो दूसरे नाइस बेस कितना अच्छा था मिक्स सब कुछ बहुत अच्छे से वालिद ऐसे वो जो अकूस्टिक गिटार था उसकी टेल्स कितनी लंबी लंबी थी वो स्लाइडिंग वाला ना हां लैप स्टील लिखा है शायद वही होगा पता नहीं देखना पड़ेगा मतलब लैप में बजा रहे शायद I don't know I'm just guessing वही होगा शायद क्या मैं मौदूद कहाँ है गिटार अकोस्टिक गिट कवेश मौदूद नाइस भाई लोग सुनो बहुत सही बहुत वीडियो की तो क्या ही बात कर रहे हैं हां वीडियो तो भाई क्या अलग ही क्या एक एक आर्टिस्ट को कितना मस्त दिखाया ना ऐसे पूरे क्या बोलते हैं सब सेट अच्छे से सेट करके सबको दिखाया ऐसा नहीं कि चलो कोई जो आर्टिस्ट बजा रहे हैं उनको कुछ भी ऐसे दिखा दिया क्या फ्रेम सेट किया सबके लिए पर्सनली एक एक आर्टिस्ट के लिए मस्त फ्रेम सेट किया उनके जो आउटफिट्स है वो भी इनकी सबसे बेस्ट फ्रेम लगी क्या बाप फ्रेम लिए इनकी कविश भाई की कलर्स कितने सही है हर एक चीज के बहुत बाप भाई मजा आ गया आगे सीजन 40 में भी दो तीन गाने अच्छे थे महरम ही था ना और कौन सा था पसूरी भी उसमें था ना हाँ तो है ना क्या गाना गाया था ना वो तो भाई साहब इनमें इसमें नहीं गाया उन्होंने एक भी गाना होगा शायद अभी आएंगे अभी पूरा सीजन खत्म का हुआ है इनका पार्ट तो मैं यार मैं ऐसे बार बार ऐसे फॉरवर्ड कर करके सुनने वाली सही बात बहुत ही सुंदर आप लोग सुनो भाई लोग कैसा लगा कमेंट करो पर्सनली क्या क्या जो गा रहे हैं क्या आप समझे वो कमेंट करो कैसा लगा कमेंट करो है ना बहुत सही भाई बहुत सही पाकिस्तान और इंडिया बहुत सारे आ रहे हैं अभी तो कोक स्टूडियो के अच्छे ए बांग्ला में कोई मुझे बोला अभी नाम भूल गया मैं पता नहीं था कुछ देखते हैं अगर वो भी अगर कर पाए समझ में नहीं आएगा हमें कोई बात नहीं है ना म्यूजिक को कहाँ लैंग्वेज की जरूरत है बहुत ही
प्यारा, मज़ा आ गया। तो कमेंट करो भाई लोग कैसा लगा, और कुछ हो तो जल्दी कमेंट कर देना, है ना। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, और कुछ हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी या टेक केयर, बी सेड यूज़।